जनपद मिर्जापुर के पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रांगण से 26 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान कराने वाले कर्मियों को किया गया रवाना। अलग अलग ब्लॉकों में तैनात होंगे ये कर्मचारीगण, मतदान से संबंधित सभी उपकरण लेकर हुए रवाना। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने रवानगी के समय रहे मौजूद। आपको बता दें कि जिले के 12 विकास खंडों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 26 अप्रैल को मतपेटी में बंद हो जाएगा। इसके लिए जिले में बने 1118 मतदान केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान कराया जाएगा। इसके लिए मतपेटियां और मतपत्र तैयार है। निष्पक्ष चुनाव के लिए मोबाइल पुलिस भी गश्त करती रहेगी। जनपद मिर्जापुर में 26 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। 12 विकास खंडों में 12,416 पदों के लिए 18,700 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 5736 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। चुनाव संबंधित सभी सामग्री ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचा दी गई है। जिले में 17,78,000 मतदाता 1118 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इस दौरान कोरोना को देखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत मतदान की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनपद मिर्जापुर में 26 अप्रैल को प्रस्तावित है और इसकी हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें कुल हमारे यहां 12 विकास खंड हैं और इन सभी 12 विकास खंडों पे जो चारों पद हैं उनका एक साथ चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए हमने यहां पे जो पोलिंग बूथ बनाए हैं वो 2838 है, 2838 बूथ है। और अगर सेंटर देखा जाए तो 1118 यहाँ पर सेंटर है, 809 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें हम चुनाव करा रहे हैं। इसके अलावा जो 12 ब्लॉक और जिला पंचायत का चुनाव हम करा रहे हैं। इसमें जो कुल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसमें वार्ड पंच के भी शामिल है, वो 18,700 है। हमने ब्लॉक लेवल पे सभी तैयारियां पूरी कर ली है, हमारे बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर वगैरह और जो सामग्री के बैग्स वगैरह हैं वो सब हमने ब्लॉक लेवल पर पहुँचा दिए गए हैं। वाहनों का अधिग्रहण हमने कर लिया है, पोलिंग पार्टी हमने बना दी है, उनका प्रशिक्षण वगैरह हमने तैयारी कर ली है। हमारे यहाँ जो अति संवेदनशील प्लस बूथ है वो 285 है, जो लगभग कुल बूथों का 10% है। और जो हमारे अति संवेदनशील बूथ है उन पर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। इसके अलावा हम 100 क्लस्टर मोबाइल वैन लगा रहे हैं। इसमें एक वैन में लगभग 6 पुलिस के लोग रहेंगे और ये 5-6 बूथों के बीच में या 7 बूथों के बीच में एक एक मोबाइल वैन सारे दिन घूमती रहेगी, जिससे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तुरंत से वो क्लस्टर मोबाइल वैन जा करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल सके।